तो की हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं सम्राट भाई के बारे में। तो गाइस यूट्यूबर सम्राट भाई को तो आप लोग जानते होंगे, उन्होंने बताया कि उनको एंड उनके फैमिली को सीरियस थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। जहां गाइस उन्होंने बताया कि कुछ लोग उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, इनफैक्ट उन्होंने कंप्लेंट भी फाइल कराया था बट कुछ एक्शन नहीं लिया गया था। आप खुद सुन लीजिए एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन। जैसे उसका पति गया, उसने एक मुसलमान व्यक्ति को अपने पास रख लिया जिसका नाम है पप्पे पठान, और इन दोनों ने मिलकर जो मेरा किराए वाला कमरा था उसका किराया देना बंद किया, और धीरे धीरे करके एक नहीं दो नहीं उस जगह पे जितने मेरे कमरे थे, मेरे घर के जितने कमरे थे उनके सबके ताले तोड़ लिए और उसमें रहना शुरू कर दिया। 2017 में पुलिस अधीक्षक को मेरे द्वारा आवेदन दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस महिला द्वारा कंटिन्यू मुझे धमकी दी जाती थी कि तुझे इस केस में फंसा दूंगी, उस केस में फंसा दूंगी, जिन सबके सबके डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, मैं ऑन पेपर लिख के दे के आ चुका हूँ थाने में, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल रात को उस महिला द्वारा मुझे थ्रेट दिए जाते हैं कि तुझे और तेरे बाप को और तेरी माँ को सबको मैं मार, मतलब लिटरल थ्रेट दिए जाते हैं। हाथ जोड़ के विनती है मेरे पूरे हिंदू समाज से कि आज मुझे आप लोगों की जरूरत। फिर इसका प्रूफ भी उन्होंने पोस्ट करके दिखाया। एज यू कैन क्लियरली सी, उनके फादर ने 2017 में कंप्लेंट फाइल कराया था बट अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया। बट जैसे ही उन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया, एमपी पुलिस की तरफ से नीचे ये कमेंट आया, एसपी विदिशा काइंडली लुक इनटू दिस मैटर। एंड फिर एमपी के चीफ मिनिस्टर खुद इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए एक ट्वीट किए, सम्राट आप परेशान नहीं हो, प्रशासन संपर्क में है, जो भी न्यायोचित मदद होगी करेंगे। जिस पर सम्राट भाई भी रिएक्ट करते हुए लिखे, धन्यवाद सीएम साहब, आपका बहुत बहुत आभार। महोदय आपसे एक निवेदन है कि मेरे माता पिता की सुरक्षा सुनिश्चित कर दी जाए, आभार एवं धन्यवाद सर। सो या एवरीवन इज होपिंग कि ये मैटर जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए, उनके फैमिली एकदम सेफली रहे। तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव वर्सेस मनीषा रानी के बारे में। तो एल्विश यादव मनीषा रानी के व्यूज लाइक स्टेटमेंट के ऊपर रिएक्ट किए। जहां गाइस लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मनीषा रानी से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कंट्रोवर्सी व्यूज लाइक्स के लिए तो नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बोला था कि व्यूज लाइक्स के लिए कौन करता है, सबको पता चल जाता है, कौन रियल है फेक है सबको दिखता है। तो कल एल्विश यादव का भी एक इंटरव्यू आया था एंड वहां पर रिपोर्टर उनसे पूछी थी मनीषा के ये स्टेटमेंट के बारे में कि आपका क्या कहना है। तो उन्होंने बोला, बहुत अच्छी बात है जिसके भी व्यूज बढ़े, हमारे बढ़े या उनके बढ़े, ये चैनल के लिए अच्छी बात है और इंसान के लिए भी। आई विश हर ऑल द बेस्ट कि खूब उनके व्यूज आए, लाइक्स आए, सब्सक्राइबर्स आए, हमारे भी आ जाए साथ साथ, हम यही विश करते हैं। तो उनका स्टेटमेंट सुनकर लग रहा है कि वो बस ये कॉन्ट्रोवर्सी को कहीं ना कहीं बस खत्म करना चाहते हैं। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले भुवन बाम के बारे में। तो भुवन बाम ने ताजा खबर सीजन 2 को अनाउंस कर दिया। जी हां गाइस, आप लोगों को तो पता होगा कि ताजा खबर सीजन 1 कितना बड़ा हिट था एंड ऑफ कोर्स सीजन 2 के हिंट्स हम लोग को मिल रहे थे, बट अब उन्होंने ऑफिशियली इसका एक अनाउंसमेंट वीडियो अपलोड कर दिया अपने चैनल में। एंड इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने पिंड कमेंट में लिखा, एक साल से काम चल रहा है और अभी भी बहुत दिनों का शूट बाकी है, आप इसको शेयर करो अपने ग्रुप में, मैं चला शूट पे, बाय, सी यू ऑल वेरी सून। एंड या कुछ यूट्यूबर्स की तरफ से भी रिएक्शन आया, जैसे कि आशीष चंचलानी ने कमेंट किए, जी फाड़। एंड थगेश भी लिखे, वस्या का भी कमबैक हो गया अब तो। एंड यार टॉकिंग अबाउट थगेश, तो वो ध्रुव राठी के वायरल डिक्टेटरशिप वीडियो के ऊपर रिएक्ट किए। जहां गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा कि फ्यू डेज अगो ध्रुव राठी अपना ये वायरल वीडियो पोस्ट किए थे विच हैज ऑलरेडी 21 मिलियन प्लस व्यूज। तो इस वीडियो के ऊपर थगेश भी रिएक्ट किए, उन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। इलेक्शन का टाइम आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा एक्टिव कौन होगा आज के टाइम पे? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट पार्टीज, मोदी जी नहीं, ध्रुव राठी भाई ने एक ही दिन में मोदी जी के खिलाफ वीडियो बना के 16 मिलियन व्यूज ले लिए। मोदी जी को तो फेम भी नहीं चाहिए यार, हमारे ऊपर बना देते। ध्रुव के हेटर्स बेसिकली उसको बोल रहे थे, देश के बाहर से क्या वीडियो बना रहे, देश में आके बना। लगता है ये भी रजत भाई से इंस्पायर होकर लोकेशन पे पहुंच गया। मैं भी वेट कर रहा हूँ कि मोदी जी अभी लाइव आएंगे इंस्टा पे और बैंड के टके गाना बजाएंगे। दोनों भाई मेरे छोटे हैं, दोनों बैठे हैं यहाँ पे, इनका जो भी मैटर था आपस में वो सोल्व हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो ट्रिगर्ड इंसान अपने से रिलेटेड एक स्कैम के बारे में लोगों को बीवेयर किए। जहां गाइस उनके एक फैन ने ये ट्वीट किया था कि ट्रिगर्ड इंसान आपके नाम पे एक स्कैम चल रहा है, आपके फोटोज यूज करके ये लोग फेक एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं, गैम्बलिंग को प्रमोट कर रहे हैं। तो इस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने कहा, WTF, दिस इज अ स्कैम यूजिंग माई फोटो, अगर आपको ऐसा कुछ भी दिखता है मेरे बारे में तो प्लीज रिपोर्ट इट, थैंक्स। एंड यार टॉकिंग अबाउट ट्रिगर्ड इंसान, तो उनके साथ एक बहुत ही गलत सीन हो गया भाई। जहाँ गाइस लेटेस्ट व्लॉग में उन्होंने इस चीज के बारे में बताया, आप खुद सुन लीजिए। दो वीडियो रिकॉर्ड करी, दोनों खराब हो गई। क्यों? एक में स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हुई और एक में मेरा कैमरा अटक गया। ये सेटअप भी कह रहा है भाग जाओ जाओ। हाँ, सही बात है। इंसान का टोनी कक्कर के साथ एक सॉन्ग आने वाला है। जहाँ इस सॉन्ग के बारे में बात करते हुए उन्होंने ये बताया, केक हमने काट लिया टोनी भैया के साथ और ये हमारा एक गाना आ रहा है दोनों का साथ में। जो हम गाना शूट करा, वो क्या गाना शूट करा, इतनी मेहनत करी।
तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े YouTube ग्लिच के बारे में। तो गाइस यूट्यूबर इनकम ट्रिक्स के प्रॉब्लम के बारे में तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इनका चैनल मोनेटाइज्ड है, सब कुछ फाइन है, व्यूज वगैरह भी आ रहे हैं, बट फॉर नो गिवन रीजन उनका रेवेन्यू 90-95% फॉल हो गया है। एंड उनके चैनल में खाली यही प्रॉब्लम नहीं है, कल एक और उन्होंने बहुत ही वियर्ड ग्लिच के बारे में बताया, आप खुद देख लीजिए, आप हैरान हो जाओगे सुन के। ये मेरे पास मेल आया है क्या कि YouTube जो है वो मेरा वीडियो को जो है वो रिमूव कर दिया है क्योंकि वो स्पैम कैटेगरी में आ रहा था, कुछ प्रॉब्लम था मेरे वीडियो में, स्ट्राइक नहीं दिया लेकिन वीडियो हमारी YouTube ने रिमूव कर दिया। अब ये देखो वही सेम वीडियो है, कुछ रिमूव नहीं हुई है। देखो अब मैं लिंक पर क्लिक करके आपको प्ले करके दिखा दे रहा हूँ, सेम वीडियो, प्रॉपर वीडियो चल रही है। अब मेरी एक पुरानी वीडियो है, इसके लिए कोई भी मेल मेरे पास जो है वो नहीं आया है लेकिन इसको रिमूव कर दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले मैक्स टेन के बारे में। तो क्या ये यूट्यूबर ने मैक्स टेन को चैलेंज दिया? Well guys, recently मैक्स टेन अपने जिम वीडियोस को पोस्ट करना स्टार्ट किए हैं एंड वो कुछ 90 डेज जिम चैलेंज लिए हैं। तो उसका डे 3 वीडियो जब उन्होंने पोस्ट किया था उस पर रिएक्ट करते हुए चपाती गेमर ये लिखे, यो मैक्स टेन 90 डेज जिम चैलेंज के बाद आर्म रेसल करे, इस पर वो रिएक्ट करते हुए लिखे, मैं अभी जीत जाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले रोहित शर्मा वर्सेज हार्दिक पांड्या के बारे में। रोहित शर्मा वर्सेज हार्दिक पांड्या से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा रिपोर्ट आया है। जी हाँ गाइस, अकॉर्डिंग टू अ न्यूज 24 रिपोर्ट बताया जा रहा है कि मुंबई इंडियंस की टीम का माहौल बहुत खराब है एंड रोहित शर्मा बोल रहे हैं कि वो नेक्स्ट ईयर मुंबई इंडियंस टीम को छोड़ देंगे। रिपोर्ट में लिखा गया कि रोहित शर्मा को इस साल का हार्दिक पांड्या का कैप्टेंसी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है एंड ये जो कैप्टेंसी कॉन्ट्रोवर्सी हुआ है पूरा टीम में रिफ्ट क्रिएट हो गया है एंड इसीलिए मुंबई इंडियंस का जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स वगैरह भी चलते हैं। नाउ एज आई सेड ये खाली एक रिपोर्ट है, नथिंग इज ऑफिशियल, बट इसके बाद मुंबई इंडियंस के आउटिंग से एक वीडियो वायरल जा रहा है जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि रोहित शर्मा एंड हार्दिक पांड्या दोनों एक दूसरे को बहुत ही नॉर्मली अच्छे वे में ग्रीट कर रहे हैं। तो ये लोग बोल रहे हैं इतना ही प्रॉब्लम होता तो शायद वो ये सब नहीं करते। तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले MS धोनी के बारे में। तो नो वन एक्सपेक्टेड दिस वीडियो ऑफ MS धोनी। हां गाइस, आप बोले जो गोयल MS धोनी मीम के बारे में तो जानते ही होंगे। वेल MS धोनी ये गाना को खुद से गाए, लिटरली गाइस उनका एक एडवर्टाइजमेंट बाहर आया था, इंडिया कंपनी बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, उन्होंने MS धोनी एंड बोले जो गोयल वाले सॉन्ग को यूज किया। एक छोटा सा क्लिप में आपको दिखा देता हूँ। बोले जो कोयल बाहों में, तो वही लोग बोल रहे हैं यार कि कैसे MS धोनी ने ट्रोलिंग को मोनेटाइज कर लिया यार। तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही अनलकी क्रिकेट फैन के बारे में। तो गाइस एक क्रिकेट फैन के साथ बहुत ही खराब सीन हो गया। बेसिकली कल चेन्नई एंड हैदराबाद का मैच था एंड ये क्रिकेट फैन ये मैच का टिकट खरीदे थे, जैसा कि आप देख सकते हो उनके टिकट डिटेल्स में आप नंबर रीड कर सकते हो कि उनका सीट का नंबर है J66। बट जब वो एक्चुअली में अपने सीट को ढूंढने गए, बैठने गए, तो J रो में 66 वाला सीट अवेलेबल ही नहीं था भाई, 67 और 65 उसके बीच में 66 वाला सीट गायब ही है। पता नहीं यार ये कैसे पॉसिबल है, बट दिस एक्चुअली हैपेंड। तो फिर वो प्लेयर को सिक्योरिटी एंड ऑफिशियल्स के साथ बैठकर ये मैच देखना पड़ा। बट आई रियली होप कि ये वाला सिचुएशन कुछ ऐसे फैंस के साथ ना हो जाए। जी हाँ, जो आप ये फोटो देख रहे हो वो जयपुर स्टेडियम के बाहर से है एंड लोग बैंगलोर और राजस्थान मैच के लिए टिकट्स खरीदने के लिए 3 AM ऐसे बाहर थे। भाई क्रेज है यार IPL का, भूलना पड़ेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले शुभमन गिल एंड शाहरुख खान के बारे में। तो शुभमन गिल शाहरुख खान के लिए एक विटी मैसेज दिए। वेल गाइस, एड शीरन इंडिया आए हुए हैं, आप लोगों को पता ही होगा, कल वो अपने चैनल में एक व्लॉग काइंड ऑफ वीडियो अपलोड किए जहां पर वो तन्मय भट्ट एंड शुभमन गिल एक साथ थे एंड एड शीरन अपने ये इंडिया ट्रिप के दौरान शाहरुख खान से भी मिले। तो इस वीडियो के बीच में शुभमन गिल एक विटी मैसेज दिए कि जब आप शाहरुख खान से मिलोगे प्लीज आस्क हिम कि KKR ने मेरे को क्यों रिटेन नहीं किया। जी हां गाइस, इफ यू डोंट नो, तो शुभमन गिल पहले KKR के लिए खेलते थे, फिर उनको जब रिलीज कर दिया गया था वो गुजरात में गए एंड अब वो गुजरात के कैप्टन है। तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले बड़े मियां छोटे मियां मूवी के बारे में। तो गाइस अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ का बड़े मियां छोटे मियां मूवी रिलीज होने वाला है एंड उनके प्रोड्यूसर इस रिलेटेड बहुत ही बड़ा प्रेडिक्शन दिए। जी हां गाइस, उनके प्रोड्यूसर्स काफी कॉन्फिडेंटली एक वीडियो में ये कहे, बड़े मियां छोटे मियां 7 days फ्रॉम द रियल लाइफ छोटे मियां टू द रियल लाइफ बड़े मियां। छोटे मियां चिंता मत कर, 1100 करोड़ कंफर्म है वर्ल्ड वाइड, 100%। भाई 1100 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बहुत ज्यादा होता है, पर कंपैरिजन में आप लोगों को बता दूं कि जो लास्ट बॉलीवुड मूवी 1000 करोड़ प्लस किया था वो था जवान एंड इनफैक्ट एनिमल मूवी जो कि इतना ज्यादा ट्रेंड किया था वो भी 1000 करोड़ हिट नहीं कर पाया था। तो आपको क्या लगता है, क्या बड़े मियां छोटे मियां सही में 1100 करोड़ हिट कर पाएंगे? मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले रामायण मूवी के बारे में। रणबीर कपूर के रामायण मूवी के शूटिंग से कुछ फोटोज लीक हो रहे थे एंड बताया जा रहा है कि अब वहां पर नो फोन पॉलिसी को लगा दिया गया है। बताया
जा रहा है कि डायरेक्टर नितेश तिवारी वो लीक्ड फोटोज को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, एंड इसीलिए अब उन्होंने एक स्ट्रिक्ट नो फोन पॉलिसी इम्पोज कर दिया है सेट्स में। नॉट ओनली दिस, अब शूटिंग के दौरान एक्स्ट्रा जो स्टाफ एंड क्रू है उन लोग को भी हटा दिया जाएगा, सिर्फ जो टेक्नीशियंस एंड एक्टर्स है खाली वो लोग ही सेट्स में रहेंगे। बाकी इस मूवी से रिलेटेड एक और बहुत बड़ा न्यूज आ रहा है कि ऑस्कर विनर्स को बुला दिया गया है फॉर दिस मूवी। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स ये मूवी को म्यूजिक देंगे AR रहमान एंड हंस जिमर, एंड दोनों ही ऑस्कर विनर्स है, एंड ऐसा होता है तो भाई बहुत ही भयंकर म्यूजिक हम लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले क्लास 12 स्टूडेंट के शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस राजस्थान से ये वाला स्टोरी आ रहा है कि एलिजेडली एक क्लास 12 की स्टूडेंट जो कि सर्वाइवर है उनको एग्जाम देने से मना कर दिया गया। Well guys, ये जो स्टूडेंट है फ्यू मंथ्स अगो इनके साथ एक बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था, एंड आफ्टर दैट बोर्ड एग्जाम्स के लिए जब वो अपियर करने के लिए आई तब उनको मना कर दिया गया अपने स्कूल से। उन्होंने कंप्लेंट फाइल किया एंड कंप्लेंट में ये लिखा हुआ है कि कुछ स्कूल ऑफिशियल्स उनको बोले थे कि एटमॉस्फेयर जो है स्कूल का वो स्पॉइल हो जाएगा अगर वो आ जाएगी तो। बट स्कूल अपने तरफ से ये क्लेम कर रहे हैं कि ये स्टूडेंट लास्ट 4 मंथ से स्कूल में नहीं आई थी एंड इसीलिए उसको एडमिट कार्ड नहीं दिया हम लोग। बाकी अजमेर चाइल्ड वेलफेयर कमीशन ने केस फाइल कर दिया है एंड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही स्मार्ट स्टोरी के बारे में। तो गाइस एक 13 ईयर ओल्ड की बच्ची खुद को एंड एक 1 ईयर ओल्ड टॉडलर को बचाई एक बहुत ही स्मार्ट मूव करके। बेसिकली वो एंड उनके नीस एक रूम में थे एंड अचानक से एक मंकी घुस गए थे रूम में। वो मंकी कुछ को सामान उनके ऊपर फेंकने लगे थे, बट ये लड़की फिर क्या की, उन्होंने बोला कि एलेक्सा बार्क, एंड इसके बाद जब एलेक्सा से बार्क साउंड आने लगे तो वो मंकी डर के भाग गया। तो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन्या सिंह ने कंप्लीट कर चुकी 100K सब्सक्राइबर्स, देन तरुण सहारिया ने भी कंप्लीट कर चुके 100K सब्सक्राइबर्स, देन डिंपूस व्लॉग्स ने कंप्लीट कर चुके 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स, एंड फाइनली सुजल ठकराल ने कंप्लीट कर चुके 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट ट्विटर के थ्रू कितना कमाया अभी तक उन्होंने रिवील कर दिया। बेसिकली कल वो ट्वीट करके दिखाया कि वो ट्विटर में 5 वीडियोस पोस्ट किए हैं एंड 5 वीडियोस में उनको एन एवरेज 150 मिलियन व्यूज मिल रहे हैं। बट नॉट ओनली दिस, उन्होंने अपने रेवेन्यू को भी रिवील करके बताया कि इन 5 वीडियोस के थ्रू वो अप्रोक्सीमेटली $1 million इन एड रेवेन्यू कमाए। तो ये देखकर उनको अच्छा लगा कि ये $1 million उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में काम आ जाएंगे। काफी बढ़िया यार उनका, यूट्यूब के लिए वीडियो बनाओ उसको रीअपलोड कर दो ट्विटर में और $1 million कमा लो यार। बट चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले इलॉन मस्क वर्सेस मेटा के बारे में। तो इलॉन मस्क एक बार फिर से मेटा को ट्रोल किए। जी हां गाइस, मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 दिन पहले मेटा के सर्वर्स डाउन हुए थे जिसके वजह से व्हाट्सएप इंस्टाग्राम एंड फेसबुक वेंट डाउन। ऑफ कोर्स ट्विटर वॉज अप, ट्विटर को कुछ नहीं होता है। तो इस न्यूज के ऊपर इलॉन मस्क रिप्लाई देते हुए कहे, हार्ड टू कीप द सर्वर्स रनिंग व्हेन दे आर सो डिस्ट्रैक्टेड सेलिंग देयर यूजर्स डेटा। भाई इलॉन मस्क इधर उधर कुछ नहीं बोलते, सीधे पर्सनल अटैक करते हैं भाई। बट या चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।